सभी का स्वागत है। लगातार हम आपको कोविड-19 के आंकड़े बता रहे हैं और आज हम पलवल में मौजूद हैं, हतीन पलवल नाके पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहां से कोरोना योद्धा भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातें करेंगे। किसी प्रकार की कोई उनको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, यहाँ लोग उनको कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं, ये बात भी उनको जानेंगे। साथ में हम बता दें पलवल ज़िले में अब तक यहाँ पर 34 कोविड-19 पॉजिटिव केस आ चुके हैं और लगातार यहाँ पर कोरोना अपना पैर पसार चुका है। तो कोरोना योद्धाओं से बात करते हैं कि लोग किस तरह से उनका साथ दे रहे हैं या नहीं, ये बात जानेंगे। कितनी दिक्कत उनको हो रही है, सारी बातों को जानने के लिए सीधा उनसे बात करते हैं। जी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर, अभी तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुई है जी, और सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं जी, और अभी तक कोई इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई किसी को। किन लोगों को यहाँ से जाने दिया जा रहा है? बस यहाँ से सब किसानों को जाने दिया जा रहा है और जो सरकारी आदमी ड्यूटी लगी वो प्रवेश कर रहे हैं, एंट्री बाकी सभी की बंद है यहाँ से। यहाँ से सारी लोगों को बंद कर दिया? हाँ, सभी को बंद किया जा रहा है यहाँ से। बात करते हैं जी, सर किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। किन लोगों को अब यहाँ जाने दिया जा रहा है? अब किन दुकानों पर छूट मिली है? ये जो दुकान है जैसे मेडिकल वगैरह की हुई या खाद वगैरह की हुई, नाज पानी के लिए उसके लिए छूट है, बाकी किसी के लिए नहीं। और सरकारी जो गाड़ियाँ आपने उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? जनता कोऑपरेट कर रही है, फुल कोऑपरेट है, वो समझ रही है इस बीमारी को, गंभीरता से ले रही है, इसलिए पूरा सहयोग कर रही है। वो किसी प्रकार की कोई पर कैसी भी दिक्कत नहीं। खाना वाना खा लिया? हाँ, खाना वाना खा लिया। लंच टाइम पे हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, हमारे साथ कोरोना योद्धा है, उनसे भी बात करते हैं, एक और है उनसे भी जानते हैं। जी, हमारे साथ यहाँ अशोक कुमार जी हैं। अशोक जी ठीक है? हाँ जी ठीक है। किस तरह से चल रहा है नाके पर? बस बाग कोऑपरेट कर रहे हैं? बस ठीक है, चलो अपना जो भी है, पब्लिक भी अपना कोऑपरेट कर रही है यहाँ पे, कोई दिक्कत वैसे नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, लोग बाग समझ रहे हैं। किन लोगों को जाने दिया जा रहा है? समझ रहे हैं वैसे। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों? लोगों को यही, अपना अपना घर पर रहो, अपना सुरक्षित रहो, मास्क लगाओ, कोई जरूरी काम है ज़्यादा जरूरी है अपना जब भी घर से निकलो जी, यही है अपना। और जी धन्यवाद, ये अशोक जी थे और कोरोना योद्धाओं से लगातार मैं आपको मिलाता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आज कोरोना योद्धाओं की बात करें तो लगातार अपनी ड्यूटी पर हैं। आप देख सकते हैं कि आपके लिए वो घर के बाहर हैं, तो कृपया आप अपने घर से बाहर न निकलें। और साथ में बता दें कि अब किसानों की छूट मिल गई है, इलेक्ट्रिशियन की जो दुकानें हैं उन पर भी अब छूट दे दी गई है, तो कृपया आप अपने घरों से अपने कोई काम या ज़रूरी से ज़रूरी काम है उसके लिए आप बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा अपने घर में रहें। आप प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी है कि अपने घर पर रहें और साथ में मास्क ज़रूर लगाएं, अपने फेस पर मास्क लगाएं और साथ में अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को भी ये बताएं। और आपके आसपास में अगर कोई भूखा लोग है तो उन भूखे लोगों को पेट भर के खाना ज़रूर खिलाएं, ये आप सभी से मेरी अपील है, क्योंकि आज कोरोना से लड़ने के साथ अगर लॉकडाउन चल रहा है तो उसके तहत जो लोग आपके आसपास में हैं जिनके पास पूर्ण रूप से खाना नहीं है, तो प्लीज़ आप उन लोगों के लिए खाना ज़रूर दें, क्योंकि भूखा ना सोने दें, ये सबके लिए होगी। आज इंसानियत दिखाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आज आप ये ना भूलें कि कोई अगर आपके पास भूखा सोता है तो इसमें सबसे बड़ी दुखद बात होगी। तो कृपया आप सभी अपने आसपास के लोगों को खाना दें और साथ में पुलिस प्रशासन यानी कि कोरोना योद्धाओं का, लगातार डॉक्टर्स, कोरोना योद्धाएं, चाहे सफाई कर्मचारी क्यों ना हो, उन सभी का भी साथ दें, क्योंकि आज हमें कोरोना से लड़ने के लिए सबका साथ देना होगा और सबके साथ चलना होगा, तभी हम इस कोरोना की महामारी से, इस संकट से हम बच पाएंगे। तो इसलिए आप सभी से मैं बोलता हूँ बार बार कि अपने घर में रहें, अगर कोई आपका ज़रूरी से ज़रूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकलें। फिर हम आपको बता दें एक बार और, क्योंकि पलवल में अब तक 34 कोविड-19 पॉजिटिव केस यहाँ हो चुके हैं, कोरोना के मरीज यहाँ 34 हो चुके हैं और कोरोना अपना पैर पसार चुका है। इसको अगर हमें हराना है तो अपने घरों में ज़रूर रहना है, आप अपने घरों में रहें और लगातार हमारे साथ देखते रहें कि यहाँ इस क्षेत्र के आखिर हालात क्या है। लोग अधिकतर उनका कहना है कि यहाँ पर बातों को मान रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। नहीं, आप हमारे साथ कैमरामैन सोनू जी के साथ, DTV न्यूज़ में आपका अपने जी को धन्यवाद।